हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्ट्रेंथ। तो आज का हमारा टॉपिक है मूल शब्दावली के लघु त्रि प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो होता है वो आता है वैद्युत धारा क्या है। ठीक, तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन को समझते चलेंगे और चीज़ों को रिलेट करते चलेंगे। वैद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। मैं दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाऊँगा, आप चाहे हिंदी मीडियम से हों, आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हों, दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है, तो मैं एक फार्मूला से इसको बताना चाहूँगा। I इक्वल टू होता है Q/T। ठीक, ये आपको सबको पता होगा, जिनको पता नहीं है वो इसको याद कर लें, ठीक है। और करंट का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक, एम्पियर। और क्यू को आई को बोलते हैं करंट या धारा, ठीक। और जो हमारा क्यू होता है वो होता है कूलम्ब, जो आवेश होता है। और टी होता है टाइम, जो समय होता है, जिसको सेकेंड से। अब इसकी हम परिभाषा बनाते हैं। परिभाषा कैसे बनेगी, इलेक्ट्रॉन्स या आवेश के प्रवाह की दर को जहाँ भी टाइम आता है बटे में, तो उसको बोलते हैं दर और रेट। तो इसकी परिभाषा क्या बनी, इलेक्ट्रॉन और आवेश के प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। इसे हम कैपिटल आई या स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। आई से प्रदर्शित करो या स्मॉल आई से प्रदर्शित करो, ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। मतलब क्या होगी परिभाषा, इलेक्ट्रॉन्स आवेश के प्रवाह की दर को और रेट को वैद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गया होगा, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि टी इक्वल टू एक सेकेंड पुट कर दो, टी इक्वल टू एक सेकेंड पुट कर दिया तो आई इक्वल टू क्यू हो गया। यहाँ पे टी इक्वल टू एक सेकेंड तो आई इक्वल टू क्यू, मतलब एक सेकेंड में प्रभावित आवेश को धारा कहते हैं। ये भी डेफिनेशन सही है। तो इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट की। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है एम्पियर। अब एम्पियर क्या है, एम्पियर क्या है, करंट का मात्रक है। तो आप एम्पियर की भी डेफिनेशन कैसे दे सकते हो, एम्पियर का फॉर्मूला क्या है, आई और कैपिटल आई से प्रदर्शित कर सकते हैं Q/T। तो क्यू इक्वल टू एक कूलम रख दो, एक कूलम या कूलम। और टी इक्वल टू एक सेकेंड या एक सेकेंड, तो क्या हो गया, तो इसकी परिभाषा क्या बनी, इसकी परिभाषा ये बनी कि एक सेकेंड में एक कूलम का आवेश प्रभावित हो तो जो धारा का मान होता है वो एक एम्पियर होता है। एक सेकेंड में यदि एक कूलम का चार्ज या इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो, आवेश प्रभावित हो, तो उसका जो धारा का मान होता है वो क्या होता है, वन एम्पियर होता है। ठीक, ये हो गया। और एक कूलम का आवेश कितना होता है, अब मैं आगे थोड़ा बताना चाहूंगा। एक कूलम इक्वल टू होता है 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर है थर्ड क्वेश्चन विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या है, तो विद्युत वाहक बल को देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से देख रहे हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल, सपोज दैट विद्युत वाहक बल क्या है, जैसे
कोई ये एक तार है या चालक है इस तरीके का, ठीक। तो इसका जो वोल्टेज होगा, ठीक है, इसका जो वोल्टेज होगा इसको ई से बोलेंगे, इसके सिरों के बीच में, ए तथा बी के बीच में। अब एक चार्ज क्यू को ए से बी ले जाने में अगर डब्लू वर्क होगा, डब्लू कार्य किया होगा, तो स्रोत द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा E into Q, वोल्टेज और विभवांतर गुणे चार्ज Q। तो जो विद्युत वाहक बल चालक के दोनों के सिरों पे, ठीक है, क्या करता है कि एक ये फोर्स की तरह काम करता है, फोर्स इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ये क्या करता है, ये एक बल की तरह कार्य करता है जो एक चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है। तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालक के दोनों सिरों के बीच ले जाता है, या सिंपली कह सकते हैं यदि किसी सर्किट में या किसी तार में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल को है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। तो जो विद्युत वाहक बल ई का वैल्यू क्या होता है, डब्लू अपॉन क्यू आया, और यदि क्यू का वैल्यू एक कूलाम रख दें तो विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है, डब्लू ई के बराबर होता है। मतलब कि यदि एक कूलाम के आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाना है तो जितने फोर्स की आवश्यकता होगी उसी फोर्स को हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ठीक है। फिर है विद्युत विभव तथा विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विद्युत विभव, ठीक। विद्युत विभव क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, इसको सिंपली बोलते हैं कि विद्युत विभव क्या है। जैसे कि बहुत दूर पे एक आवेश क्यू रखा है, ठीक, बहुत दूर पे एक आवेश क्यू रखा है और उसे इस बिंदु तक, ए तक लाने में, इस बिंदु बहुत दूर है इससे बहुत, मतलब कि इसके लिए अगर ये पॉइंट है, अगर ये बहुत छोटा है तो उसके लिए 2 मीटर की दूरी भी बहुत हो गई, हम सबको 10 मीटर दूर से इसको इसके पास ले आए। तो इसको इसके पास लाने में जो वर्क हुआ होगा, ठीक है, जो काम हुआ होगा उसको ही हम विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि अनंत में इनफाइनाइट में किसी धनात्मक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया हुआ, जो कार्य किया गया है उसी कार्य को हम विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यह विद्युत धारा प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है। अब जैसे कि अगर चार्ज इस दिशा से ऐसे आ रहा है, एक चार्ज आ रहा है इस दिशा में, तो चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करंट बहता है, तो चार्ज ऐसे आ रहा तो करंट ऐसे होगा।
तो ये धारा की दिशा को निर्धारित करता है, धारा की दिशा को निर्धारित करता है। ठीक, दूसरी चीज है कि सदैव क्या होता है, विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से यानी उच्च विभव से, कहाँ से, उच्च विभव जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा उधर से लोअर पोटेंशियल मतलब जहाँ पे निम्न विभव होगा या कम विभव होगा वहाँ की ओर प्रभावित होती है। इसे कैपिटल वी से नोट करते हैं और इसका जो मात्रक होता है या यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। बात समझ में आई? तो एक बार पूरी समरी देख लेते हैं अभी तक की डेफिनेशंस की, फिर इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं और लेक्चर नंबर 2 में हम आगे की डेफिनेशन देखेंगे। तो एक शॉर्ट में देख लेते हैं विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या है। I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम करंट कहते हैं या इलेक्ट्रॉन आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा है एम्पियर, तो एक कूलम के आवेश जब एक सेकेंड में प्रभावित होता है तो इस धारा का मान होता है वो एक एम्पियर होता है। विद्युत वाहक बल क्या है कि एक एंड से या एक स्थान से दूसरे स्थान में जो चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया गया होगा या जो कार्य किया गया होगा उसी को विद्युत वाहक बोलते हैं। जब कूलाम चार्ज की वैल्यू एक कूलाम होती है तो विद्युत वाहक बल वोल्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो अनंत यानी इन्फाइनाइट में किसी धनात्मक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यानी कि इधर से इधर जब चार्ज जाएगा, ऐसे चार्ज कई आते जाएंगे एक के बाद एक, तो इसके विपरीत दिशा में करंट बहना चालू हो जाएगा। तो ये लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी चीज़ों को देखेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, और जो भी डिप्लोमा जहाँ से हैं अपने कॉलेज का नेम कमेंट बॉक्स में बताना है। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल टेक्निकल सुरेंद्र।